हेलो भाई, मैं उमन। आज की इस कंपैरिजन वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं FGX एंड FGS दोनों ही बाइकों का। क्यों इस कंपैरिजन को लाने के पीछे रीजन इसलिए क्योंकि दोनों ही नया मॉडल के साथ है विथ E20 एंड दोनों ही सेम सीरीज की बाइक है। दोनों में ही सेम इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, बस थोड़ा सा प्राइजिंग डिफरेंस है, बाकी लुक्स वगैरह और फीचर्स वगैरह थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि ये बाइक लेनी चाहिए या फिर ये। एक वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी का डाउट क्लियर हो जाए। फिलहाल दोनों की प्राइसिंग की बात कर लें तो FGS जो है इसकी प्राइस पड़ जाती है 129,000 अराउंड एक शोरूम कोडरमा डोमचा चेयर एंटरप्राइजेज में। वहीं FGX की बात कर लें तो ये 137,000 के अराउंड एक शोरूम कोडरमा डोमचा चेयर एंटरप्राइज में पड़ जाती है। तो यहाँ पे 7,000 से 7,500 का डिफरेंस पड़ जाता है दोनों बाइकों में। फिलहाल दोनों की प्राइसिंग तो समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी लुक वाइज। तो एक बार आप लोग ये बाइक को देखो, FGS को एंड FGX को, दोनों की लुक बहुत डिफरेंस है भाई। क्यों? ये बाइक को बनाने का पर्पस है नॉर्मल मतलब कम्यूटर और एक स्पोर्ट सीरीज लुक वाइज इस बाइक को बनाया गया है विथ नेकेड। थोड़ा थोड़ा इसका लुक नेकेड के जैसा रखी है। लेकिन वहीं बात कर लें FGX की, तो ये भाई नॉर्मल एक कम्यूटर सीरीज की ही बाइक के लुक में बनाई गई है, लेकिन रियल इसका पर्पस है ऑफ रोडिंग के लिए एंड टूरिंग वगैरह के लिए, इसलिए इसका लुक कुछ ऐसा रखा है। तो यहाँ पे ये लुक वाइज भी डिफरेंस हो जाता है। बाकी दोनों में सेम इंजन है 150 cc का, इसमें भी 150 cc का, दोनों का सेम पावर है, दोनों ही सेम माइलेज प्रोड्यूस करती है, लेकिन डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा पूरा। जैसा कि लुक वाइज है वैसे फीचर्स वाइज भी इसमें और इसमें दोनों में ही चेंजेस हेडलाइट है। दोनों की हेडलाइट वाइट लाइट ही प्रोड्यूस करती है, लेकिन चेंजेस है इसमें। आप लोगों को प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिल जाएगा, वहीं इसमें रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, लेकिन ये भी व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करती है, ये भी व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करती है, देख सकते हो। बाकी दोनों की जो साइड टर्न इंडिकेटर है वो LED के साथ है न्यू अपडेटेड में। इसमें भी LED फ्लैशर देखने को मिल जाता है, देख सकते हो। एंड FGS में भी, X में भी LED फ्लैशर देखने को मिल जाता है। दोनों के में ही आप लोगों को LED फ्लैशर देखने को मिलता है। सिर्फ डिफरेंसेस ये है कि इसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट है, इसमें नॉर्मल LED बल्ब रिफ्लेक्टर हेडलाइट है। बाकी DRL दोनों में ही दे रखी है कंपनी हेडलाइट में। दोनों की रियर जो सस्पेंशन है वो सेम है, टेलीस्कोपिक 47mm। लेकिन इसकी टेलीस्कोपिक जो सस्पेंशन है वो ओपन टाइप है एंड इसमें थोड़ा थोड़ा प्रोटेक्टर दिया गया है रबड़ के लिए। रबर प्रोटेक्टर दिया गया है ड्यू टू सेफ्टी पर्पस, क्योंकि ये बाइक पूरी ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है। तो अगर आप लोग ऑफ रोडिंग वगैरह करोगे तो सस्पेंशन में गंदा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसको देखते हुए इसमें रबर दे रखी है कंपनी। बाकी जो फ्रंट टायर है दोनों का वो सेम है, 100x80 दोनों की जो फ्रंट डिस्क है वो भी सेम है, 282mm, इसमें भी 282mm है। दोनों की जो फ्रंट टायर है उसमें दोनों में ही ABS देखने को मिल जाता है, देख सकते हो आप लोग। एंड यहाँ पे भी दोनों की फ्रंट, यहाँ पे सब कुछ सेम है भाई, सिर्फ हेडलाइट में डिफरेंसेस है। बाकी साइड टर्न इंडिकेटर भी सेम है, इसमें प्रोजेक्टर मिल रहा है, इसमें आप लोगों को नॉर्मल LED रिफ्लेक्टर मिल रहा है। दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। दोनों के मीटर कंसोल सेम है, लेकिन थोड़ा सा फीचर अलग है, लुकिंग अलग है, देख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, ये भी नेगेटिव डिस्प्ले के साथ है एंड ये जो है ये भी नेगेटिव डिस्प्ले के साथ है। इसमें आप लोगों को MT15 में जो मीटर कंसोल देखने को मिलता है वही मीटर कंसोल है। इसमें आप लोगों को गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं बताता, उसमें भी गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं बताता। इसमें भी RPM मीटर है, उसमें भी RPM है, किलोमीटर, फ्यूल गेज, ये भी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नहीं बताती, वो भी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नहीं बताती। लेकिन अगर आप लोग ब्लूटूथ से पेयर करोगे तो बता देगी, क्योंकि दोनों के मीटर कंसोल ब्लूटूथ से कनेक्टेड आती है। तो दोनों ही मीटर कंसोल में आप लोगों को SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट वगैरह सब कुछ बता देगा। तो ये था दोनों की मीटर कंसोल नेगेटिव डिस्प्ले के साथ। दोनों की टैंक सेम है इसमें, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 10 लीटर के टैंक के साथ आती है, ये 12 लीटर के टैंक के साथ आती है। इसकी जो ओवरऑल पूरी की पूरी बॉडी है वो थोड़ी सी सुन सकते हो फाइबर क्वालिटी के साथ है, लेकिन इसमें मेटल क्वालिटी यूज़ की है पूरी की पूरी बॉडी में, इसलिए वेट में भी डिफरेंस है। ये आप लोगों को 132-133 के अराउंड पड़ जाती है kg में, और ये आप लोगों को 135 और 37 के बीच में पड़ जाती है kg में, क्योंकि इसमें मेटल यूज़ हुआ है, इसमें फाइबर यूज़ हुआ है। रियर टायर की बात कर लें तो देख सकते हो टायर का साइज सेम है, लेकिन टायर की जो ग्रिपिंग वगैरह वो अलग है। इसमें देख सकते हो गोटी टायर दे रखी है एंड इसमें नॉर्मल टायर है, ओके। बाकी दोनों का सेक्शन सेम है, 140 17 इंचेस का दोनों में ही टायर है। दोनों की जो डिस्क ब्रेक है वो 220mm का है, और जो कि दोनों की जो रियर टायर है उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है। इसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल किट देख सकते हो आप लोग, एंड उसकी भी मैं किट एक बार दिखा देता हूँ रियर टायर में। तो ये है इसकी किट। बाकी दोनों की जो एग्जॉस्ट है वो साइड एग्जॉस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे दोनों ही की जो इंजन है उसमें किक ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे भी किक नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। दोनों ही बाइक में आप लोगों को सिंगल स्टैंड एंड सेंटर स्टैंड देखने को मिल जाएगा। दोनों की सीट अटैच सीट है, दोनों की जो रियर ग्रैब रेल है वो अटैच ग्रैब रेल है,
दोनों में ही जो रियर टेल लैंप है वो एलईडी में है, देख सकते हो इसमें भी एलईडी एंड इसमें भी एलईडी। दोनों के जो रियर साइड टर्न इंडिकेटर है वो भी एलईडी। नंबर प्लेस यहाँ लाइट, उसमें भी नंबर प्लेस, वहाँ लाइट। दोनों के जो साइड में वो रिफ्लेक्टर ये देखने को मिल जाएगा। दोनों में डुअल टायर अगर देखने को मिल जाएगा रियर में, इसमें भी डुअल टायर अगर है। दोनों की जो सस्पेंशन है रियर वो मोनोशॉक है इसमें भी एंड उसमें भी। तो यहाँ पे डिफरेंसेस ये आ जाता है लुक वाइज पहली बात, ठीक है, एंड फ्रंट हेडलाइट, ओके, बाकी थोड़ा थोड़ा ये पर्पस, बाकी सब कुछ सेम है भाई। एंड इसमें एक नया एडिशनल फीचर ये है हैंडल बार में कि आप लोग हेडलाइट और DRL एडजस्ट करने के लिए FG X में एक डेडिकेटेड स्विच दे रखी है जो कि इस बाइक में मिसिंग है, उसमें नहीं है। जैसे ही बाइक स्टार्ट करोगे हेडलाइट ऑन हो जाएगी, DRL तो ऑन ही रहती है, लेकिन इसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एक नया इसमें स्विच देखने को मिल जाएगा जो कि FG X में नहीं है। बाकी दोनों की टैंक में ही इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें आप लोगों को कहीं पे भी USB चार्जिंग सॉकेट, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट देखने को नहीं मिलेगा, बट इस बाइक में यहाँ पे दे रखी है, जो कि लॉन्ग राइड पे अगर अपना फ़ोन वोन चार्ज करना चाहो आप लोग तो आराम से चार्ज कर सकते हो। तो ये था दोनों बाइकों में डिफरेंसेस। कैसी लगी ये डिफरेंस नीचे कमेंट करके बताना। सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बता दूँ तो हेडलाइट डिफरेंस है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। लुकिंग वाइज डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। मीटर कंसोल का बस थोड़ा सा जो डिजाइनिंग है वो अलग है, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन सेम है। यहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस पड़ जाता है। कैसे लिए कंपैरिजन नीचे कमेंट करके बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही बाइक कंपैरिजन एंड न्यू बाइक से रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सेफ, बाय।